वेलकम स्टूडेंट्स। सो हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का आज हम पार्ट 10 देखेंगे। सो पार्ट 10 में आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का बाहर का स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या दिखा था। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। उसमें हमने देखा था हार्ट के जो बाहर का लेयर है उनके बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। हार्ट का जो बाहर का लेयर है वो किससे बना है स्टूडेंट्स? पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल था, ये हमने देखा था स्टूडेंट्स। और क्या देखा था? पेरिकार्डियम दो पार्ट था पेरिकार्डियम का। पहला था फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा था सेरस पेरिकार्डियम। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम था स्टूडेंट्स, वो सबसे आउटर बाहर का स्ट्रक्चर था जिसमें कि हार्ट प्रेजेंट होता है। वो एक थैली टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें हार्ट रहता है, सब थैली रहेगा वो, जिसे हमने फाइब्रस पेरिकार्डियम बोला था स्टूडेंट्स। अगर हार्ट के बाहर के लेयर को निकालते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या है स्टूडेंट्स? फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये पूरा पार्ट क्या है? ये पूरा पार्ट है सेरस पेरिकार्डियम। अब सेरस पेरिकार्डियम भी दो पार्ट में था स्टूडेंट्स। कौन से दो पार्ट में था स्टूडेंट्स? पराइटल लेयर, विसरल लेयर। ये जो पार्ट है ये क्या था स्टूडेंट्स? पराइटल लेयर था। आउटर पार्ट क्या था? पराइटल लेयर था। और इनर पार्ट क्या था स्टूडेंट्स? ये विसरल लेयर था। क्या था स्टूडेंट्स? विसरल लेयर। अब ये बात हो गई पेरिकार्डियम की, ये पार्ट था वो पेरिकार्डियम का पार्ट है। अब इसके बाद आता है ये यहाँ पे हार्ट वॉल, इसके जस्ट बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? हार्ट वॉल। और याद रखना है स्टूडेंट्स, ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स के लेयर से बना हुआ है स्टूडेंट्स। किससे बना है? स्क्वैमस एपिथेलियल से। अब जो ये विसरल पेरिकार्डियम है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम, एपिकार्डियम भी बोलते हैं। और जो ये मिडल वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मायो, क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। और जो एंडिंग पार्ट होगा हमारे हार्ट वॉल का, ये हार्ट वॉल में टोटल तीन आते हैं स्टूडेंट्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। क्या होता है स्टूडेंट्स? एंडोकार्डियम। जिसमें से जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम मतलब ये विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम वो, एंड जो एंडोकार्डियम है वो किससे बने रहेंगे? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बने रहेंगे स्टूडेंट्स, जो क्या करेंगे? हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। और जो ये मायोकार्डियम है वो क्या करेगा? हार्ट के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने वाला है स्टूडेंट्स। हार्ट का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में वो हेल्प करने वाला है, जो हमारा मायोकार्डियम का लेयर है स्टूडेंट्स। और एक बात है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम स्पेस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पेरिकार्डियम स्पेस। और इसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? वो हार्ट को
इंजरी से बचाएगा और शॉक एब्जॉर्बर, एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी वो काम करेगा स्टूडेंट्स। और ये लगभग 50 ml होता है हमारे पेरिकार्डियल स्पेस में स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो ये तो हमने देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब होता है आउटर, आउटर जो हार्ट का पार्ट है स्टूडेंट्स, बाहर से जो हार्ट के पार्ट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को आपको समझना स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो, तो समझना है पल्मोनरी मतलब क्या होता है। तो पल्मोनरी मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। क्या होगा? रिलेटेड टू लंग्स। कोरोनरी मतलब क्या होता है? कोरोनरी मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। सो यहां पे बहुत बार टर्म्स आने वाले हैं, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन्स एंड कोरोनरी आर्टरीज आने वाले। तो यहाँ पे समझना, अगर पल्मोनरी वेन आ रहा है तो वो जो वेन रहेगा स्टूडेंट्स वो लंग्स से जुड़ा रहेगा स्टूडेंट्स। किससे जुड़ा रहेगा? लंग्स से जुड़ा रहने वाले। और अगर कोरोनरी वेन्स या कोरोनरी आर्टरी का नाम आता है तो याद रखना है कि वो जो वेन रहेगा, वो जो ब्लड वेसल रहेगा, वो हार्ट से जुड़ा रहेगा स्टूडेंट्स। कैसे जुड़ा रहेगा? हार्ट से जुड़ा रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, हमारे बॉडी में जितने भी आर्टरी है, जितने भी आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बट जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो होता है। और पल्मोनरी वेन मतलब, अब हमारे बॉडी में जितने भी वेन्स हैं, देखो स्टूडेंट्स ब्लड वेसल के दो पार्ट होते हैं, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो लंग्स से जुड़े हुए आर्टरीज हैं, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होने वाला है। क्या स्टूडेंट्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जितने भी वेन्स हैं हमारे बॉडी में, क्या स्टूडेंट्स? जितने भी वेन्स हैं हमारे बॉडी में उसमें क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। पर पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा स्टूडेंट्स। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है जितने भी आर्टरीज हमारे बॉडी में उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होने वाला है, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और जितने भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होने वाला है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स स्टूडेंट्स, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में भी ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड फ्लो होगा और कोरोनरी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं है। बट ये आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, कोरोनरी मतलब रिलेटेड टू हार्ट स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ये समझने वाली बात थी स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे टर्म्स की तरफ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहर का पार्ट्स, जो जो बाहर के पार्ट्स है हार्ट के। तो बात याद रखनी है, जो हमारा हार्ट है वो हॉलो होता है स्टूडेंट्स। क्या होगा? हॉलो होता है स्टूडेंट्स। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा स्टूडेंट्स, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर डॉर्सल, डॉर्सल मतलब होता है स्टूडेंट्स बैक साइड व्यू, पीछे से हार्ट कैसा दिखेगा। अगर हम अपने बैकबोन साइड्स के साइड से देखते हैं तो हमें हार्ट ऐसा दिखेगा पीछे साइड से,
कैसा दिखेगा? पीछे साइड से जो एक्सटर्नल पार्ट है हार्ट का, वो हमें ऐसे दिखने वाला है। और अगर हम फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं तो हमें हार्ट ऐसा दिखने वाला है स्टूडेंट्स। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखने वाला है। फ्रंट मतलब होता है एंटीरियर और वेंट्रल व्यू। तो ये याद रखना है, वेंट्रल मतलब होता है फ्रंट, डॉर्सल मतलब होता है बैक साइड वाला। तो फ्रंट का व्यू होगा हार्ट का, वो ऐसा होगा। तो हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो इसका अपर पार्ट होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, तो यहाँ पे आपको ब्रॉड दिख रहा है, जिसे हमने बेस बोला था। और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा कॉनिकल शेप का है। आपको 3D में इमेजिन करना है स्टूडेंट्स, कॉनिकल शेप का है थोड़ा सा, जिसे हमने क्या बोला था, एपेक्स बोला था स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बोला था? एपेक्स बोला था उसे। और इसे हमने क्या बोला था, पूरे पार्ट को बेस बोला था। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये क्या है? बैक साइड व्यू है। अगर हम हार्ट को पीछे से देखेंगे तो हार्ट ऐसा दिखेगा, और हम अपने फ्रंट से देखेंगे, अगर हार्ट को फ्रंट साइड से देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो हार्ट हमें ऐसा दिखने वाला है स्टूडेंट्स, ऐसा दिखेगा। तो आपको देखना है, ये टिल्टेड भी है लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था स्टूडेंट थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो भी है, देखते हैं क्या है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। द 2 सुपीरियर चेम्बर आर कॉल्ड एट्रिया, द इंफीरियर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जो हमारा हार्ट है स्टूडेंट्स, जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स। सो समझो ये हमारा हार्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऐसा 4 चेम्बर, याद रखना है स्टूडेंट्स, हार्ट हॉलो रहता है स्टूडेंट्स, खोखला रहेगा, उसमें कैविटी प्रेजेंट। तो ऐसे 4 चेम्बर रहेंगे, तो ये 2 चेम्बर को हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आर्ट्रिया बोलेंगे। और ये 2 चेम्बर को क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल बोलेंगे स्टूडेंट्स। याद रखना है स्टूडेंट्स, हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड का होता है, 4 चेम्बर का होता है। जो ये वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? एट्रियम बोलेंगे। और जो ये दोनों पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, एक्सटर्नली द आर्ट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय अ ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड कोरोनरी सल्कस और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, बाहर से एक्सटर्नली बोला है स्टूडेंट्स, इंटरनली की बात नहीं हो रही है, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो बाहर से क्या हुआ है, जो एट्रिया है, ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट से वो कैसे अलग हुआ है स्टूडेंट्स, वहां पे ग्रूव प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ग्रूव का मतलब आपको समझना है स्टूडेंट्स, ग्रूव का मतलब क्या होता है समझो, ये पूरा ऐसा पार्ट है, तो ग्रूव मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। तो यहाँ पे अलग हो गया ना, अलग हो गया ना, एक ग्रूव बन गया, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रूव बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? ग्रूव बन गया। तो ये ऐसे इस तरह से ये अलग हुआ है, ये एट्रियम वाला पार्ट है वो इस तरह से वेंट्रिकल से अलग हुआ है, यहाँ पे ये ग्रूव बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है? ग्रूव। तो ये यहाँ ऐसा करके ये अलग हुआ है, यहाँ पे फोल्ड बन जाता है स्टूडेंट्स, सेपरेट हो गया है, तो ऐसे करके वो अलग हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। जो ये ग्रूव रहेगा स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सल्कस। तो यहाँ पे आपको देखना है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ग्रूव बना है, ये ऐसा ग्रूव बना है, अगर हम इसे जूम करेंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा, ऐसे अलग हुआ है। तो एक्सटर्नली ये इस तरह से अलग हुआ है, बाहर से ये इस तरह से अलग हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कोरोनरी सल्कस, ये कोरोनरी सल्कस है, यहाँ पे ग्रूव बना है स्टूडेंट्स, ग्रूव को जूम करने में हमें ऐसा दिखने वाला है। तो ग्रूव का मतलब आपको समझना है स्टूडेंट्स।
और उसे क्या बोलते हैं हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव क्यों? क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है स्टूडेंट्स। द टू वेंट्रिकल आर एक्सटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय टू ग्रूव, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्काय। स्टूडेंट्स क्या होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सल्काय। अब बात आती है ये दोनों किस तरह से अलग है, मतलब ये वाला वेंट्रिकल ये वाले वेंट्रिकल से कैसे सेपरेट हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहां पे भी क्या बना है स्टूडेंट्स, इनके बीच में भी क्या बना है, सल्काय बना है। सल्काय मतलब भी ग्रूव ही होता है स्टूडेंट्स, ऐसे ग्रूव होते हैं। तो इनके बीच में भी क्या हुआ है स्टूडेंट्स, सल्काय बना हुआ है, ग्रूव बना हुआ है स्टूडेंट्स। मतलब यहां पे भी फोल्ड होगा स्टूडेंट्स, कैसा होगा, फोल्ड होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटर वेंट्रिकुलर सल्काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटर वेंट्रिकुलर सल्काय। वो कैसे फोल्ड होगा स्टूडेंट्स, अभी आपके हार्ट को हम स्ट्रेट काट देते हैं तो आपका हार्ट ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक एट्रियम दिखेगा आपको और यहाँ पे वेंट्रिकल दिखने वाला है आपको। तो ये कैसे अलग होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे आएगा, समझना है स्टूडेंट्स। फिर से कैसे अलग होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल्स अगर हम इस तरह से काटते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक वेंट्रिकल यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे एट्रियम है। तो ये वाला वेंट्रिकल कैसे अलग होगा, कि यहाँ से ग्रूव आएगा, एक यहाँ से एक ग्रूव आएगा और यहाँ से एक ग्रूव आएगा। तो ये वाला एट्रियम जो रहेगा, ये वाला वेंट्रिकल जो रहेगा, वो दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हार्ट में ही क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो इसलिए बोला है स्टूडेंट्स वहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब दोनों साइड से वहाँ पे ग्रूव बनने वाले हैं स्टूडेंट्स। कैसे बनने वाले, दोनों साइड से वहाँ पे ग्रूव बनेंगे स्टूडेंट्स, एंटीरियर पार्ट से भी ग्रूव बनने वाला है, पोस्टीरियर पार्ट से भी वहाँ पे ऐसा फोल्ड आने वाला है अलग करने के लिए, किसे, वेंट्रिकल्स को, दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करने के लिए। तो ध्यान देना है, द कोरोनरी आर्टरी आर एंड कोरोनरी वेन रन थ्रू दिस सल्काय। तो समझना है स्टूडेंट्स, सो ये इस सल्काय के बीच में से इधर पे ऐसा गैप बन जाएगा ना स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसा गैप बन जाएगा ना इस फोल्ड में, तो इनके बीच में से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज, छोटे छोटे कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स यहां से पास होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, पास होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड प्रेजेंट ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी ट्रंक देखेंगे हम डायग्राम में, पल्मोनरी ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो देखते हैं। अब ये है, ये जो आपका पार्ट है, ये यहां से लेके यहां, ये जो आपका पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। तो ये पल्मोनरी ट्रंक कहां से आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पल्मोनरी ट्रंक आएगा आपके राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स, कहां से आएगा, आपके राइट साइड के वेंट्रिकल से आने वाला है स्टूडेंट्स, मतलब आपके राइट साइड के वेंट्रिकल से आने वाला है, यहां से आने वाला है वो पल्मोनरी ट्रंक, ऐसा निकल के यहां से आया है स्टूडेंट्स। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये पल्मोनरी, ये बाहर से ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, इंटरनली देखेंगे तो वो ऐसा यहां से ये वेंट्रिकल से निकल के यहां बाहर आया है स्टूडेंट्स, तो ये पल्मोनरी ट्रंक है स्टूडेंट्स। सो देखना है, और क्या दिया था स्टूडेंट्स, और जो एओर्टा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा स्टूडेंट्स। अब ये जो पूरा पार्ट है, इतना ये जो पूरा पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एओर्टा बोलते हैं। तो ये जो एओर्टा है वो कहां से आएगा स्टूडेंट्स, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा, कहां से आएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब वो एओर्टा है जो यहाँ से ऐसा पास होके ऊपर आया है स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसा पास होके कहाँ आया है, यहाँ से ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से वो पास होके ऐसा ऊपर आया है एओर्टा। तो ये जो एओर्टा है ये यहाँ पे कहीं तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो उसके अंदर से निकल के वो हमें बाहर से ऐसा दिखेगा, से हम क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है एओर्टा। एओर्टा सबसे बड़ा आर्टरी होता है, सबसे बड़ा आर्टरी है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स, याद रखना है। देखते हैं, द पल्मोनरी ट्रंक बाइफर्केट्स इंटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी ट्रंक किसमें डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी ट्रंक हमने देखा था ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो क्या है पल्मोनरी ट्रंक, वो किसमें डिवाइडेड है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। क्या है राइट पल्मोनरी आर्टरी, आपको समझ रहे हैं यहाँ पे वर्ड पल्मोनरी यूज कर रहा है मतलब ये कहाँ जाने वाले हैं, ये लंग्स की तरफ जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये जो राइट ये लेफ्ट के लेफ्ट लंग्स के पास जाएंगे और ये जो है वो राइट लंग्स के पास जाने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी यूज किया मतलब इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है स्टूडेंट्स। क्या आने वाला है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है। अब देखते हैं, एओर्टा इज डिविजिबल इंटू थ्री रीजन्स एज एसेंडिंग एओर्टा, सिस्टमिक आर्क और एओर्टिक आर्क, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है यहाँ पे फिर से। अभी जो हमारा एओर्टा है ये हमारा हार्ट था स्टूडेंट्स, ये हमारा हार्ट था, चार चेंबर थे स्टूडेंट्स, और यहाँ ये वाले वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो एओर्टा था वैसा निकल रहा था स्टूडेंट्स। तो इतने पार्ट को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स असेंडिंग एओर्टा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, असेंडिंग एओर्टा बोलते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है ना स्टूडेंट्स, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा। अब जो ये बीच वाला पार्ट है, क्या स्टूडेंट्स बीच वाला पार्ट है, ये आर्क फॉर्म कर रहा है ना स्टूडेंट्स, ऐसा आर्क फॉर्म कर रहा है ना, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया एओर्टिक आर्क या तो सिस्टमिक आर्क। क्या नाम दिया एओर्टिक आर्क और सिस्टमिक आर्क। और फिर ये डिसेंड हो रहा है, फिर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया है स्टूडेंट्स डिसेंडिंग एओर्टा। क्या नाम दिया डिसेंडिंग एओर्टा, इसलिए ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये क्या है असेंडिंग एओर्टा, यहाँ से थोड़ा सा आर्क फॉर्म हुआ है इसलिए क्या बोला इसे एओर्टिक आर्क बोला है, आर्क फॉर्म कर रहा है ना स्टूडेंट्स, ऐसा थोड़ा सा झुक रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा डिसेंड हुआ है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, इसलिए हमने क्या बोला इसे डिसेंडिंग एओर्टा स्टूडेंट्स, ध्यान देना है फिर से। अब देखते हैं, द लिगामेंटम एट्रियसम जॉइंट्स पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टिक आर्क, इट इज द रेमिनेंट ऑफ एन एम्ब्रियोनिक डक कॉल्ड डक्टस एट्रियोसिस, ध्यान देना है फिर से स्टूडेंट्स। अभी जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं लिगामेंटम एट्रियोसम, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स लिगामेंटम एट्रियोसम, ध्यान देना है। एट्रियोसम मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दो आर्टरीज का सम, दो आर्टरीज को मिलाने वाला लिगामेंट। क्या स्टूडेंट्स, दो आर्टरी को मिलाने वाला लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है स्टूडेंट्स जब हम बर्थ से पहले जब हम पेट में होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है पेट में होते, तो यहाँ पे ट्यूब होता है, यहाँ पे डक्ट टाइप होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पे डक्ट फॉर्म हुआ रहता है जिसके अंदर से ब्लड पास होता है स्टूडेंट्स। बट जैसे ही हमारा बर्थ होता है डेवलपमेंट स्टेज, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो क्या होता है वो डक्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट, हमारी बॉडी सेल्फ डिपेंडेंट होता है। जब हम हमारे बर्थ के पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अपने मदर पे पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं ब्लड के लिए भी। तो यहाँ से क्या होता था स्टूडेंट्स, ब्लड पास होता था, और ये कहाँ से पास होता था, ये वाले आर्टरी से ये वाले आर्टरी में ऐसा पास होता था ब्लड। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे वो डक्ट है जिसका नाम है
वो डक्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, डक्टस एट्रियोसस। डक्टस एट्रियोसस याद रखना स्टूडेंट्स, बर्थ के पहले बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसका एक पार्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे रह गया स्टूडेंट्स, जिसने क्या किया है हमारे ये पल्मोनरी ट्रंक को एओर्टा से क्या करके रखा है, जोड़ के रखा है। क्या करके रखा है स्टूडेंट्स, ज्वाइन करके रखा है स्टूडेंट्स। तो याद रखना ये जो लिगामेंटम एट्रियोसम है वो किससे, एम्ब्रॉयनिक डक्ट है, वो एक टाइप का एम्ब्रॉयनिक डक्ट का क्या है, वो एक पार्ट है स्टूडेंट्स, वो डक्ट नहीं है, अब वो डक्ट नहीं रहा, उसमें से कोई ब्लड पास नहीं होता है स्टूडेंट्स। वो पहले एक डक्ट था जो कि आर्टरी से आर्टरी को ज्वाइन करता था, इसमें से पहले ब्लड भी फ्लो होता था, बट वो उसका एक छोटा सा पार्ट इधर पे रह गया जो किसे ज्वाइन करके रखा है स्टूडेंट्स, हमारे एओर्टा को और पल्मोनरी ट्रंक को, तो इसका नाम है लिगामेंटम एट्रियोसम। नाम से ही पता चल रहा है दो आर्टरीज को जोड़ना है, एट्रियोसम आर्टरीज का सम, दो आर्टरीज को जोड़ने वाला लिगामेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। द एओर्टिक आर्क गिव्स आउट थ्री आर्टरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने देखा था कि जो हमारा एओर्टा है उसका तीन पार्ट होता है, एसेंडिंग एओर्टिक आर्क और ये डिसेंडिंग वाला स्टूडेंट्स। सो जो ये वाला पार्ट है एओर्टिक आर्क, वो तीन पार्ट को, तीन आर्टरीज को गिव राइज करता है। तो वो तीन आर्टरीज क्या क्या है स्टूडेंट्स, ब्रांचियोसेफेलिक, क्या है स्टूडेंट्स, ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सब क्लेवियन, क्या स्टूडेंट्स, लेफ्ट सब क्लेवियन। तो ये तीन पार्ट है एओर्टिक आर्क के स्टूडेंट्स, देख लेते हैं वो तीन पार्ट। तो यहां पे हमें वो तीन पार्ट दिख जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये है एओर्टा हम लोग का यहां से, और ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स बीच वाला जहां पे आर्क फॉर्म हो रहा है वहां पे वो तीन पार्ट में देखो डिवाइड हुआ है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो ये वाला बीच वाला जो पार्ट है वो क्या, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये हमारे कौन से पार्ट के पास जाएगा, वो नेक वाले पार्ट में जाएगा और हमारे आर्म्स वाले पार्ट के पास जाने वाला है। ये जो हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उधर पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाला है। अब जो ये वाला पार्ट है उसे हमने क्या बोला था, ब्रांचियोसेफेलिक, ये वाला आर्टरी डिवाइड हुआ है ब्रांचियोसेफेलिक। ब्रांचियोसेफेलिक वर्ड से मालूम पड़ रहा है ब्रांच टू द सेफेलिक, सेफेलिक मतलब होता है स्टूडेंट्स हेड, क्या होता है स्टूडेंट्स, सेफेलिक मतलब होता है हेड, तो ब्रांच टू द सेफेलिक, तो इसे हमने बोला है ब्रांचियोसेफेलिक, मतलब ये हेड के पास ब्लड को लेके जाने वाला है, हेड के ऑर्गन्स के पास ब्लड को लेके जाने वाला है। और ये जो लेफ्ट ये वाला पार्ट, इसे हमने क्या बोला है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, क्या बोला स्टूडेंट्स, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ये भी कहाँ जाने वाला है, हमारे आर्म्स के पास और हमारे हेड के पास भी ये ब्लड लेके जाने वाला है। और फिर जो लोअर साइड हमारा जो ब्लड लेके जाएगा वो किसका काम है स्टूडेंट्स, वो हमारे डिसेंडिंग एओर्टा के पास। अब जो एओर्टा का दूसरा पार्ट बचेगा, यहाँ पे जो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ से हमारा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा हमारा ब्लड नीचे की तरफ, यहाँ से हेड नेक आर्म्स की तरफ ही हमारा जो ब्लड रहेगा वो जाएगा इन आर्टरीज के थ्रू स्टूडेंट्स। द राइट आर्ट्रियम रिसीव्स सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा अलॉन्ग इट्स डॉर्सल सरफेस, ध्यान देना है फिर से स्टूडेंट्स। अब ये क्या है हमारा डॉर्सल साइड है स्टूडेंट्स। सो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला एट्रियम, ये क्या है राइट एट्रियम में क्या आएगा हमारा, सुपीरियर वेना कावा। अब ये सुपीरियर वेना कावा कहाँ ज्वाइन होगा स्टूडेंट्स, कहीं पे यहाँ पे वो राइट एट्रियम प्रेजेंट होने वाला है, वहाँ पे वो आके अंदर चला जाएगा हार्ट के, ये है सुपीरियर वेना कावा। देखो स्टूडेंट्स सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर वेना कावा क्या स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट है जो वो क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा कहाँ पे जाके ओपन होने वाले हैं,
वो जाके राइट एट्रियम में ओपन होने वाले हैं। यहाँ पे कहीं तो राइट एट्रियम होने वाला है स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे ओपन होने वाले हैं, राइट एट्रियम में ओपन होने वाले हैं। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, हमारे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अपर बॉडी पार्ट से लेके आता है, हेड साइड से आर्म्स तक का जो भी है वो सुपीरियर वेना का। इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम की तरफ। कहाँ आता है, राइट एट्रियम की तरफ आता है स्टूडेंट्स। देखते हैं, पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम अलोंग द डॉर्सल सरफेस ऑफ हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी वेन्स ध्यान देना है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी वेन्स दो होते हैं, राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। अब यहां पे वर्ड आ गया फिर से पल्मोनरी, मतलब ये वेसल्स कहां से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वेन्स कहां से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आ रहे हमारे लंग्स से। कहां से आ रहे स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स से आ रहे हैं ये वेन्स। अब पल्मोनरी वेन है मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मैंने आपको पहले बोला था स्टूडेंट्स पल्मोनरी वेन में क्या होने वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन लेके आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या कर रहा है, ब्लड में वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है, और वो कहां पे जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहां पे जाएगा वो, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। यहां पे कहीं तो लेफ्ट एट्रियम होने वाला है, वहां पे वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़ा रहेगा, एओर्टा से जुड़ा रहेगा, और एओर्टा उसे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, फैला देगा स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। स्टूडेंट्स ध्यान देना है फिर से, जो हमारा लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और हमारा राइट पल्मोनरी वेन है, वो लंग्स से आके किधर ओपन होने वाला है स्टूडेंट्स, वो ओपन होगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में ओपन होने वाला है। कहाँ पे ओपन होने वाला है, लेफ्ट एट्रियम में। और जो हमारा सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है स्टूडेंट्स, वो क्या कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है हमारे राइट एट्रियम में स्टूडेंट्स। किधर होने वाला है, राइट एट्रियम में वो ओपन होने वाला है स्टूडेंट्स। सो ये आपको ध्यान देना है। तो ये था आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टूडेंट्स, आपका बाहर का स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट था, ये बाहर का जो आपका स्ट्रक्चर है वो। और देख लेते हैं, सो यहाँ ये सामने से आपको हार्ट का ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है, सामने से आपको सुपीरियर वेना कावा ऐसे दिखने वाले हैं। तो सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, अपर बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। कहाँ पे लेके आएगा वो राइट एट्रियम में ब्लड लेके आने वाला है। कहाँ लेके आने वाला है, राइट एट्रियम, यहाँ पे कहीं तो होने वाला है, वहाँ पे वो ब्लड लेके आने वाला है। ये एओर्टा पार्ट है, सबसे बड़ा ब्लड आर्टरी है ये हमारे बॉडी में, सबसे बड़ा ब्लड आर्टरी। अगर कोई किसी कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स कौन सा है, तो इसका ही नाम लेना है आपको, एओर्टा का नाम लेना है स्टूडेंट्स। फिर बात आती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड आ गया मतलब ये लंग्स के पास जाने वाले, आर्टरी मतलब हो गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनमें, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ये लंग्स के पास वो ब्लड को लेके जा रहे हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। और जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे, कहाँ पे रिसीव करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम में रिसीव करेंगे। यहाँ पे कहीं तो वो लेफ्ट एट्रियम रहने वाला है, वहां पे वो क्या करेंगे, उन्हें रिसीव करेंगे स्टूडेंट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, राइट कोरोनरी आर्टरी और, तो राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करेगा स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ये हार्ट में है मतलब ये हार्ट के टिश्यूज को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, क्या करेगा, ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये देखो यहाँ पे राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम, यहाँ पे स्टूडेंट्स। कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस का काम क्या था स्टूडेंट्स, हमारे आर्ट्रिया को वेंट्रिकल्स से, ये यहाँ राइट वेंट्रिकल यहाँ पे कहीं तो होने वाला है, उन्हें अलग करेगा किस तरह से, ग्रुप बना,
इस तरह से वो ग्रूव बनेगा, ऐसा ग्रूव बना के वो क्या करेगा, ये एट्रियम ये वेंट्रिकल इस तरह से वो अलग कर देगा। तो इसलिए हमने बोला है कोरोनरी सल्कस, हार्ट रिलेटेड सल्कस, हार्ट रिलेटेड ग्रूव होने वाला है ये कोरोनरी सल्कस। ये है हमारा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा स्टूडेंट्स, ये पीछे से ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स, कैसा दिखेगा, पीछे से ऐसा दिखेगा और ये सामने से ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, इंफीरियर वेना का। इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है स्टूडेंट्स, इंफीरियर वेना कावा का काम है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएगा, जो डीऑक्सीनेट ब्लड है उसे वो लेके आएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फ्रंट साइड से देखेंगे तो हमें यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा, पर बैक साइड से देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा होगा स्टूडेंट्स। आपको अज्यूम करना है डायरेक्शंस कैसा है, हम पीछे से देख रहे हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमें इस साइड दिखने वाला है स्टूडेंट्स, ये वाले साइड दिखने वाला है, बट हम आगे से देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमें ये साइड दिखने वाला है, लेफ्ट एट्रियम हमें ये साइड दिखेगा, लेफ्ट एट्रियम हमें ये साइड दिखेगा अगर हम इसे बैक साइड से देख रहे हैं तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो और ये लिगामेंटम एट्रियस, समझो हमें फ्रंट से दिखने वाला है, क्या स्टूडेंट्स हमें फ्रंट से दिखेगा लिगामेंटम एट्रियस, जो दो आर्टरीज को जॉइन करके रखा है स्टूडेंट्स, एओर्टा को और हमारे पल्मोनरी ट्रंक को जॉइन करके रखा है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ गया होगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे एक और बार ध्यान देना, ये वाला पार्ट होगा जो ये होगा हमारा एसेंडिंग एओर्टा जो कि निकलेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, एसेंडिंग एओर्टा निकलेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा आर्क फॉर्म हुआ है जिसे हमने बोला था एओर्टिक आर्क, और ये एओर्टिक आर्क तीन ब्लड आर्टरीज में डिवाइडेड होगा स्टूडेंट्स, सब स्क्लेवियन आर्टरी, कॉमन कैरोटाइड आर्टरी और इधर ब्रेंचियोसेफेलिक आर्टरी होने वाला है, ये क्या होने वाला है, ब्रेंचियोसेफेलिक आर्टरी होने वाला है स्टूडेंट्स। सो ये सब याद रखना है आपको जो भी यहाँ पे है। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपका जो भी है, सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये है आपका पोस्टीरियर व्यू, मतलब आप जब हार्ट को पीछे से देखेंगे स्टूडेंट्स, और ये है आपका एंटीरियर व्यू जब आप हार्ट को फ्रंट से देखेंगे स्टूडेंट्स, सामने से देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, अब हमने बाहर से देखा है सब पार्ट्स को, अगले वीडियो में हम देखेंगे अंदर से हार्ट कैसा होता है। याद रखना है हार्ट अंदर से हॉलो है स्टूडेंट्स, चार चेंबर में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल स्टूडेंट्स, याद रखना है। सो अगले वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।